हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी वीडियो में आपका स्वागत है एंड जय श्री राम। तो आज अभी सारे आ चुके हैं हम कॉलेज में, इनको पूछते हैं कैसा रहा इनका एग्जाम। अरे भाई, कैसा रहा आपका एग्जाम? भाई एग्जाम तो बहुत अच्छा रहा, पर मास्टर उठा उठा के फेंक रहा। अच्छा, इनको खड़े कर रहे थे बच्चे, तो पीछे देखिए आवाज़ लगा रहे हैं। और आपका कैसा रहा एग्जाम? आपके साथ ही तो हाँ भाई, और मैं एक ही डेस्क पे बैठे थे। तो चलो, चीटिंग चुटिंग तो चलती रहती है एग्जाम में, वो तो छोटी मोटी चीज़ है, वो कर ली हमने। तो पास होने के चांसेस हैं हमारे इस बार बहुत ज़्यादा हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो अभी किसी और को पूछते हैं, किसी और को पूछते हैं कैसा रहा उनका एग्जाम। इससे पूछते हैं भाई, कैसा रहा एग्जाम? ठीक है यार। कैसा रहा? ठीक रहा। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था आज? हेल्थ एंड वेलनेस की कितनी क्लासेस लगी हैं? पता नहीं यार, मैंने दो तीन चार लगाई हैं। तीन चार लगाई हैं आपने? मतलब आप क्यों नहीं लगाते हो क्लासेस? लगी उतनी तो लगी। अच्छा अच्छा, मतलब क्लासेस इतनी लगी हैं। देखिए, ये भी बच्चों का बहुत बड़ा इशू है जीडीसी में। पहले मैं घर गया था ना। अच्छा अच्छा, अभी अच्छा अच्छा, इनसे पूछते हैं भाई कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा हुआ सर, मेरा नाम किसका था? जानते यार, आपको नहीं पता? हाँ हाँ, मतलब कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम मैंने ओके रिपोर्ट रहा है। ओके रहो, किसका था? पढ़ने वाले बच्चे ने लाइक बच्चे थोड़ा नहीं। किसका था एग्जाम? एग्जाम ईवीएस का था। और अच्छा अच्छा, ईवीएस के क्लासेस कितनी लगी हैं? ईवीएस की क्लासेस लगी हैं, कोई लगी तो बहुत है, हम लगाते हैं। अच्छा अच्छा, पूछते हैं भाई कैसे हो? बस यार, आप सुनाओ। हम तो बढ़िया हैं भाई। एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्जाम बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा, आज बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। सुधांशु भाई से पूछते हैं, भाई कैसे हो? बस ठीक भाई। भाई एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम ठीक ही रहा। ठीक रहा, सब बच्चों का ठीक ही रहा, मैक्सिमम बच्चों का, क्योंकि एग्जाम थोड़ा इजी था, इसलिए बच्चे देखिए इनके चेहरे पे खुशी देख सकते हैं आप, कितनी खुशी है प्यारे भाई पे, खास करके ज्यादा। अभी हम कॉलेज के एंट्री गेट पे पहुंचे हैं। तो कॉलेज के एंट्री गेट में देखिए काफी ज्यादा है, इन्होंने सिक्योरिटी टाइट कर दी है क्योंकि आउटसाइडर के लिए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप रहा प्रिंसिपल मैम का कि आउटसाइडर जितने भी थे वो अंदर अलो नहीं कर सकेंगे, बट कुछ ऐसी जगह खुफिया रास्ते अभी भी हैं यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, तो बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वाले लगे हैं। तो चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं अगर होती है तो। ये देखिए कॉलेज के बाहर का व्यू है, और कई लोग जो अंदर मतलब आउटसाइडर हैं उनके बाहर व्हीकल लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कुछ अपने ही दोस्त मित्र बैठे हुए हैं इस गाड़ी में, तो दिखाते हैं कौन कौन बैठा हुआ है। तो कालू भाई हैं पहले, तो प्लीज़। ठीक सर, आप बताओ भाई, कॉलेज में सिक्योरिटी टाइट हुई है उसका क्या कहना चाहते हो? सही हुआ है, गलत हुआ है? बिल्कुल गलत। ये बहुत ही बेकार तरीका है, जो कि ये बच्चे जो बसेस से आते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, लेट हो जाते हैं, फिर क्लास नहीं लगती उनकी, वो अब किसका कसूर है? वो तो बस वालों का कसूर है ना। यहाँ पे रोड ही कितने अच्छे हैं जैसे कि। तो ये देखिए, जैसे हर्षित ने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अलाउ करना चाहिए बच्चों को जो लेट आते हैं, मतलब कि गेट उनके लिए खुला होना चाहिए, बस आउटसाइडर के लिए बंद होना चाहिए, क्योंकि गेट वगैरह मतलब कि आईडी कार्ड वगैरह इनके पास है, उसे चेक किया जाए प्रॉपर। तो अभी करते हैं बात किसी से होती है तो। तो आशा करते हैं हम किसी से बात करेंगे आगे जाके कि क्या रीज़न रहा है बंद करने का, क्या रहा है। देखिए, आउटसाइडरों के लिए पूरा गेट क्लोज कर दिया गया है इन्होंने, तो कोई भी बच्चा अंदर अलो नहीं किया जा रहा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा गुड स्टेप है प्रिंसिपल मैम का कॉलेज में सिक्योरिटी लगाना। तो ये देखिए, और ये गेट पूरा 12 बजे खुलेगा, 12 बजे के पहले नहीं खुल सकता, क्योंकि इस पर भी पीछे रीज़न लगाए हुए हैं। तो गाइस, अभी हमारे गांव में आ चुके हैं, एक नई बार्बर की सैलून ओपन हुआ है। तो भाई का तो अभी हमने कट कुट लगवाया, बियर्ड में बियर्ड सेटिंग करवाई है। अभी एक और भाई है, बब्बू भाई, हमारे उस्ताद शाह हैं जो हमारे गाँव के, तो कटिंग करवा रहे हो भाई? हाँ भाई। भाई ये भाई है मेरे भाई, कहाँ से करवा सीखा काम आपने? कहाँ से काम सीखा है? जम्मू से सीखा। अच्छा अच्छा, जम्मू से सीखा है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो हमारे गांव में न्यू शॉप ओपन की है। तो सारे जितने भी गांव के हैं और बाहर के हैं, आसपास के जितने भी नेबरिंग विलेज के हैं, तो प्लीज़ सारे विजिट करें यहाँ पे, भाई का काम चेक करें कैसा काम है। तो सारा सामान वगैरह लाया हुआ है भाई ने। तो ये देखिए, निखिल के भी यहीं से कटिंग हुई है। निखिल कैसे है? अच्छी है, कंपेरिजन टू अदर जो भी हमारे एरिया में चल रहे हैं। हाँ सही है, उनसे बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई के पास विजिट करें आके। तो भाई क्या प्राइस है कटिंग का? भैया प्राइस 30 रुपये है। अच्छा, 30 रुपये कटिंग का, बिल्कुल जेनुअन रेट है भाई का, इतना हाई फाई भी नहीं है, वो सैलून से काम करके आए हैं। तो मैंने भी कटिंग करवाई है अभी, देख लीजिए। तो सारे विजिट करें भाई की शॉप पे जितने भी हैं। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जितने भी नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे मेरे यूट्यूब चैनल पे, और जितने भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज फॉलो कर ले मेरे फेसबुक पेज को। और नेक्स्ट वीडियो मस्त आने वाली है, मस्त जिसको बोलते हैं ना, वो वाली वीडियो आने वाली है। तो बाय बाय, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो।